एवरी वन दिस पॉलिटी अचीवर आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ये एक तरह का होता है, तरीका होता है जहां किसी कॉन्स्टिटेंसी में अगर किसी कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं तो वो इलेक्शन जीत जाता है तो आज की इस क्लास में हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे कैसे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम काम करता है क्या इसके बेनिफिट हैं एडवांटेजेस हैं डिसएडवांटेजेस हैं और किन कंट्रीज में इस सिस्टम को फॉलो किया जाता है इन सभी को हम लोग आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे सो स्टे विद मी डोंट गो एनी एंड अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी क्लास में आए हैं सो डू सब्सक्राइब माई चैनल इससे जो भी अपकमिंग विडियोज होंगे उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे सो लेट्स बिगिन द क्लास फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में जो वोटर्स हैं वो अपने फेवरेट अपनी पसंद के किसी भी कैंडिडेट को वोट करते हैं और अगर उस कैंडिडेट को अपनी कॉन्स्टिटेंसी में सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं तो वो इलेक्शन जीत जाता है इसी को हम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कहते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को इंडिया के अलावा यूनाइटेड किंगडम यूनाइटेड स्टेट एंड कैनेडा में भी फॉलो किया जाता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम ये काम कैसे करता है इसे हम चार पॉइंट्स में डिस्कस कर सकते हैं फर्स्ट पॉइंट इज सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ इस मेथड में क्या होता है कि किसी भी कंट्री को या रीजन को कुछ पार्ट्स में कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है ठीक है और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव को खड़ा किया जाता है इसी को हम सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं इसी तरह से अगर किसी कॉन्स्टिटेंसी से एक से ज्यादा मेंबर खड़े होते हैं तो वहां पर अगर 50 परसेंट से ज्यादा वोट्स कोई भी कैंडिडेट अचीव करता है या फिर सबसे ज्यादा वोट्स जिससे मिलते हैं वो इलेक्शन जीत जाता है सेकेंड पॉइंट इज वोटिंग प्रोसेस हर कॉन्स्टिटुएंसी के जो भी वहां के वोटर्स होंगे जो भी मतदाता होंगे वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी कैंडिडेट को वोट कर सकते हैं और इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं थर्ड पॉइंट इज विनिंग क्राइटेरियन किसी भी कॉन्स्टिटेंसी से अगर कोई कैंडिडेट खड़ा होता है तो उसके लिए जरूरी होता है कि उसे सबसे ज्यादा वोट हासिल करने हैं एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पर 50 परसेंट से ज्यादा वोट उसे नहीं लेकर आने हैं अगर उसे 50 परसेंट से ज्यादा वोट्स ना भी मिले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन जो भी अदर कैंडिडेट्स हैं उनसे ज्यादा वोट्स उसके पास होने चाहिए तभी वो सिलेक्शन को जीत सकता है दैट इज फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम नेक्स्ट पॉइंट इज नो प्रोपोर्शनलिटी फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम में किसी भी कॉन्स्टिटन्सी में वोटों का कितना प्रतिशत मिला है इस बात को ध्यान में नहीं रखा जाता है हाउ वी कैन डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम फर्स्ट इज सिंप्लिस इट इज इजी फॉर वोटर्स टू अंडरस्टैंड एंड जो अथॉरिटीज हैं जो ऑफिसर्स हैं उनके लिए भी एडमिनिस्टर करना यहाँ पर इजी हो जाता है सेकेंड इज क्लियर आउटकम्स एज अ रिजल्ट इस मेथड के थ्रू एक ही पार्टी को बहुमत मिलता है और यहाँ पर ये यह इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज एक पार्टी की जब गवर्नमेंट बनती है तो वो स्थिर गवर्नमेंट बनती है स्टेबल गवर्नमेंट बनती है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी नेशन नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन कॉन्स्टिटेंसीज एंड रिप्रेजेंटेटिव्स फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में सिंगल कॉन्स्टिटेंसीज को प्रेफर किया जाता है और इसका बेनिफिट यहाँ पर यह होता है कि कोई भी कैंडिडेट जो उस कॉन्स्टिटेंसी से खड़ा हुआ है उसका एक स्ट्रॉन्ग लिंक एक अच्छा रिलेशन वहां के वोटर्स के साथ मतदाताओं के साथ बन जाता है एंड इसका काफी अच्छा बेनिफिट भी उनकी पार्टी को मिलता है ये मेथड डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करता है और यहाँ यह इंश्योर किया जाता है कि, कि किसी भी कॉन्स्टिटुएंसी में किसी भी जोग्राफिक एरिया में एक डेडिकेटेड रिप्रेजेंटेटिव को रखा और एक जो होता है नेक्स्ट पॉइंट इज अकाउंटेबिलिटी रिप्रेजेंटेटिव आर डायरेक्टली अकाउंटेबल टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज तो अगर वो अच्छा काम करते हैं तो ही नेक्स्ट इलेक्शन में उन्हें वोट्स मिलेंगे अदरवाइज उन्हें नेक्स्ट इलेक्शन में बाहर भी किया जा सकता है तो ये कुछ एडवांटेजेस थे फर्स्ट पास अपोस्ट सिस्टम के अब बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस की डिसएडवांटेज में सबसे पहला पॉइंट है डिस प्रोपोर्शनलिटी इस मेथड में अक्सर ये देखा जाता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको कितने वोट्स मिले हैं इलेक्शन में उसका परसेंटेज एंड इसके साथ ही उस पार्टी ने कितने सीट्स पर चुनाव जीता है उसका परसेंटेज इन दोनों में काफी बड़ा डिफरेंस पाया जाता है सेकेंड पॉइंट इज वेस्टेड वोट्स किसी भी हारी हुई पार्टी के जो वोट्स होते हैं वो वेस्ट चले जाते हैं या फिर ये भी कह सकते हैं कि, कि किसी भी विनिंग पार्टी के जो जरूरत से ज्यादा जो वोट्स उनको मिलते हैं यानी कि जितने रिक्वायर्ड वोट्स हैं वो तो ठीक है उससे ज्यादा जो वोट्स अगर उनको मिलते हैं तो वो वेस्टेड वोट्स में काउंट होते हैं रिजल्ट में इलेक्शन के रिजल्ट में उनका कोई भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता है नेक्स्ट पॉइंट इज मार्जिनलाइजेशन ऑफ स्मॉलर पार्टीज छोटी पार्टीज का इलेक्शन में जीतना काफी मुश्किल हो जाता है चाहे उनके पास काफी मात्रा में रिसोर्सेस मौजूद हों या फिर ना भी हों इसका एक रीजन ये भी होता है कि उनके जो वोट्स हैं वो कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बिखरे हुए होते हैं रेदर देन किसी स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसी uh, के एक दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि जो भी छोटी पार्टीज हैं उनको फोर्स किया जाता है टू अलाइन विद द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल पार्टीज बड़ी पार्टीज उनको अपने में मिलाने की कोशिश करती हैं और इस कोशिश में जो फेडरलिज्म और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो उद्देश्य होता है छोटी पार्टीज का वो यहाँ पर मात खा जाता है खत्म हो जाता है फर्स्ट फास्ट द पोस्ट सिस्टम को इस तरह से भी क्रिटिसाइज किया जाता है कि इस सिस्टम में जो माइनॉरिटीज हैं उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाता है फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट द टू पार्टी सिस्टम जहां पर अगर किसी एक पार्टी को उतने वोट्स नहीं मिलते हैं उतनी सीट्स पर वो चुनाव नहीं जीत पाती है तो यहाँ पर पॉपुलेशन का एक मेजर जो पोर्शन है उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाता है तो एक मेजर ये कंसर्न है डिसएडवांटेज है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का नाउ वी कैन डिस्कस एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम इन एक्शन सबसे पहले बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम की यूके में हाउस ऑफ कॉमन्स के जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है एम हैं उनको इलेक्ट करने के लिए इस मेथड को यूज किया जाता है इंडिया की बात करें तो इंडिया में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट द लोकसभा एंड इसके साथ ही जो भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनके मेंबर्स को इस मेथड के थ्रू इलेक्ट किया जाता है कैनेडियन पार्लियामेंट में भी हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर्स को इस मेथड के थ्रू इलेक्ट किया जाता है तो आज की क्लास में हमने फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम को डिस्कस किया इसके क्या एडवांटेजेस हैं क्या डिसएडवांटेजेस हैं हम सभी को डिस्कस किया है आई होप सो क्लास पसंद आई होगी सो इफ यू लाइक इट लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स मिलते हैं किसी और क्लास में एक नए टॉपिक के साथ टेक केयर बाय बाय